मोस्टली जो मुझे आइडिया आया था वो इस तरह से आया था कि एक बार मैं अपनी दोस्त के घर गई हुई थी कि किसी ने उसको बोला कि अरे यार भाई के लिए चाय बना दो। मैंने उससे पूछा कि वो खुद क्यों नहीं बना लेता, तो उसने बोला वो लड़का है वो कैसे बनाएगा। तो ये मुझे दिमाग में ना हिट किया कि आपकी मर्जी के बगैर आपको हाथ नहीं लगा सकता। इसी तरह औरतें जब किसी भी पब्लिक स्पेस में जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, उनकी बॉडी को कॉन्स्टेंटली वायलेट किया जाता है, उनकी उनकी मर्जी के बगैर उसको हाथ लगाया जाता है। ये इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसा मैसेज जो है वो आगे किया जाए। आइडिया तो बहुत स्पॉन्टेनियस था। औरत मार्च के लिए गए, मैं ज़्यादा सोच कर नहीं गई थी कि मेरे हाथ में क्या ब्लैक कार्ड होगा। जब वहाँ पर दूसरी ख़वातीन को देखा, उनका जोश देखा, तो दिल में आया कि मैं भी अपने आप को किसी तरह एक्सप्रेस कर पाऊँ। ये जेंडर रोल्स जो हैं सारे, ये क्यों इस तरह के असाइन किए हैं कि भाई पोस्टर जो के था वो था कि खुद खाना गर्म कर लो, खुद खाना पकाओ नहीं था, सही है खुद खाना गर्म कर लो का इसलिए था क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज़ है कि आप खाना बना हुआ है यार तुम गर्म कर लो, अब मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। As a single woman, as a single mother, as a divorced woman, I felt very happy. I felt especially, खैर मुझे तो 12 साल हो गए थे तब तक जब मैंने वो ब्लैक कार्ड उठाया, लेकिन जब इमीडिएटली आफ्टर भी जो मेरी जज्बात थे वो एक फ्रीडम के थे, एक सेंस ऑफ लिबर्टी के थे, एक ऐसी कैफियत थी कि जैसे आप किसी जेल से आज़ाद होते हैं। और वो ये चूज करे कि वो किससे शादी करे, वो बच्चे कब पैदा करे, और ये बुनियादी हक हर किसी के ऊपर पास होना चाहिए, ये आदमी या औरत हो। मगर हमारी जो पितृशाही निज़ाम के अंदर हमने देखा है हमारी सोसाइटी में औरतों को ये हक नहीं होता। उस पे लोगों ने जो ना बहुत सारे मीम्स बनाए, काफ़ी सारे, तो एक जगह पे एक पूरा जो ना मर्द मार्च निकाली उस पे लोगों ने पूरा का बनाया कि टायर खुद बदल लो, अपने टाइलें खुद लगा लो बाथरूम की। असल बात तो ये कि मुझे लिटरली हर नेगेटिव जो कमेंट्स मिले उस पे मुझे हंसी आती थी। अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो हर किस्म का फीडबैक भी आएगा, और ये फीडबैक जो है मैं उसको नेसेसरली मनफी तौर पे नहीं लेती। मैं समझती हूँ कि ये फीडबैक भी एक पॉजिटिव ही बात है, क्योंकि ये लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहा है।